जिला मुख्यालय पर फुट ओवरब्रिज के पास एक निजी नर्सिंग होम के समीप 5 माह का भ्रूण मिला। भ्रूण देखकर लोगों ने जहां इस कलयुगी मां को कोसा, साथ ही इन लोगों द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी व पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारी अधिकारी एवं पुलिस द्वारा आसपास जांच पड़ताल करने के बाद मौके पर भ्रूण को कब्जे में ले लिया। वहीं पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इस तरह एक नर्सिंग होम के पास भ्रूण मिलने के बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि हम सभी नर्सिंग होम की जानकारी लेते हैं, जहां तक कि उनकी जितनी डिलीवरी हुई उसकी भी जानकारी ली जाती है। साथ ही इनके द्वारा नर्सिंग होम में कार्य प्रणाली पर संदेह भी जताया गया। वहीं एबॉर्शन किया गया है तो उसकी एंट्री नहीं होगी, ऐसा कहा गया। फिलहाल पुलिस ने उक्त मामले को जांच में ले लिया है। देखने लायक होगा क्या आखिर ये मामला कैसे सामने आता है, क्योंकि इस तरह का ये कोई पहला वाक्य नहीं। इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं, पर आज तक किसी भी तरह किसी भी आरोपी की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इसलिए अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कब तक नगर में संचालित निजी नर्सिंग होम की जांच कराते हैं, जिससे कि कोई स्थिति स्पष्ट हो सके, जिससे आए दिन कचड़े व फुटपाथ पर इस तरह माँ की ममता कलंकित ना हो सके। कहीं किसी के द्वारा डाला गया है जो कि अभी मेच्योर है, मेच्योर नहीं है। इसका मुझसे 16B/20B का होगा, जो कि ऐसी जगह फेंका गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि या तो ये कहीं एवर्सन का केस है, कोई इलीगल एवर्सन हुआ किया हो किसी ने, इसके लिए मैं आज सभी नर्सिंग होम में चलो जाँच करवाता हूँ कि आज किसी के यहाँ की कितनी डिलीवरी हुई है। और सभी नर्सिंग होम में उनको दिखवाता हूँ, और इस तरह के केस संबंध है इन लोगों ने भी एक कोई चालान की होगी तो उन्होंने एंटर नहीं किया होगा, इसकी भी किसी तरह से खोजबीन करवाएंगे और पुलिस से भी कंप्लेंट करेंगे कि पुलिस भी इसकी जांच करे कि कहां से प्राप्त हुआ है। ये जो भ्रूण प्राप्त हुआ है ये एक नर्सिंग होम के सामने प्राप्त हुआ, और इस गली में ऐसी कई बार अभी मतलब पिछले कुछ दिनों में 6 घटनाएँ हो चुकी हैं। नहीं, अभी जब तक जांच नहीं हो जाएगी पूरी तरह से कहना संभव नहीं है कि कहाँ से और किस से नर्सिंग होम का है। नर्सिंग होम के सामने जो निकलता है बैग मटेरियल वो सब खुले में फेंकना चाहिए। मैं अभी उनकी व्यवस्था देखता हूँ, उनके नर्सिंग होम में डिस्पोज करने की क्या व्यवस्था है, और यह तो नहीं कह सकते कि उन्हीं का होगा या ना कौन डाल गया होगा, उसकी भी हम जाँच कराएँगे। या जो भी अस्पताल में उपयोगी चीज उपयोग की जाती है उसका इस तरह से निष्पादन क्यों सही ढंग से नहीं किया जाता है। अशोकनगर से ग्राउंड रिपोर्टर संजय नामदेव की रिपोर्ट।